फाइनली अभी शाम के 7:30 बजे है। हम दोपहर में 4 बजे के आसपास सिद्धिविनायक के मंदिर से घर पे मतलब होटल पे आ गए थे। सॉरी, सिद्धिविनायक मंदिर में हमारे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ही बड़ी लाइन थी। और अभी मैं आगे मतलब शांति से बैठ के आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस हुआ हमारा। सो हमने बाहर से दर्शन करके हम आ गए और बहुत तगड़ी वाली भूख लगी थी। फिर हमने पार्सल लिया होटल से पैक करवा के, हमने रूम पर खाया। बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि 4 बजे खाना खाया और ट्रैवलिंग में इतना मतलब हम सोए ही नहीं थे। ये लोग तो सो गए थे, मैं नहीं सोया था। तो अभी हम लोग है ना 7 बजे उठ के रेडी हो गए, अभी जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, फिर वहाँ से जाएंगे मरीन ड्राइव। हमारे होटल से बाहर निकलते ही जो चर्च है, चर्च गेट का, वहाँ से ये पूरी लेन है। ये मतलब जो अंग्रेज लोग आए थे ना हमारे इंडिया में, उनके द्वारा डेवलप किया गया ये मुंबई है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे आपको सारे ब्रांडेड शोरूम्स मिल जाएंगे, सब्यसाची, स्टारबक्स, पूमा, फिश कैचर्स, बाटा वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया पर आए हैं और यहाँ पर प्रोजेक्शन शो चल रहा है पूरा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बट यहाँ की ब्यूटी मॉर्निंग में कुछ अलग ही थी, तो हम फिर से कल सुबह एक बार आएंगे इमरज को लेके। और यहाँ पर आप देख सकते हो ताज का कितना सही व्यू है यार, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही सही लग रहा है। तो ये वाली पूरी जो लेन है वो है फैशन स्ट्रीट, जो हमारा जो ताज होटल है बिल्कुल उसके पीछे। तो बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह मिल रहा है और टी शर्ट वगैरह भी है यहाँ पे। यहाँ पर इमराज ने यहाँ पर ये वाली 200 रुपीज़ की टी शर्ट ली, बहुत बहुत सही टी शर्ट है, आप देख सकते हो। अभी रात के 9:30 बजे है। अभी हमने पूरा कोलाबा वाला जो स्ट्रीट मार्केट था वो एक्सप्लोर किया और वहाँ से अभी हम मरीन ड्राइव पर बैठे हैं। बहुत ही सही फीलिंग आ रही है भाई, मतलब बहुत सुकून वाला लग रहा है कि मेरे को है ना स्पेशली ये सी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरा ये ड्रीम था कि मैं ऐसे सी में बैठूँ हिमराज के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, हम बातें करें, और ये जो दरिया का जो आवाज़ होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सही में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग है। और हमको हम शाम को आने वाले थे बट थोड़ा लेट हो गया आने के लिए, बट कल मॉर्निंग में भी आएंगे तो डे में भी इसका वाइब्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, तो वो भी एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अभी हम जो चर्च गेट की स्पेशल खाऊ गली है वहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लाइन में बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हैं और बहुत ही बढ़िया फूड स्टॉल है। और यहाँ पे पब्लिक भी बहुत डिसेंट है, मतलब आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ का प्राइसिंग वगैरह हमने चेक किया तो मतलब जो हम वडोदरा में खाते हैं ना बिल्कुल उसके आसपास ही है। यहाँ पे शावरमा की शॉप है, फिर यहाँ पे वेज नॉन वेज सारी चीज़ें आपको दिखेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हमने यहाँ से अभी खाना पैक करवाया है और हम होटल पे जाके खाना खाएंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे 10th मार्च और अभी हम सुबह 8:30 बजे हैं। अभी हम रेडी हो चुके हैं मस्त और अभी हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल के पास थोड़ा फ़ोटोशूट करने के लिए, फिर वहां से जाएंगे मरीन ड्राइव फ़ोटोशूट करने के लिए, क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था तो अंधेरे में ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आए थे। तो हम स्पेशली अभी फ़ोटो क्लिक करने के लिए जा रहे हैं और फिर आज का दिन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। हम जूहू चौपाटी जाएंगे, बहुत डिफरेंट जगह जाएंगे, तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। सही में सुबह में वहाँ की वाइब्स बहुत अलग होती है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा। अभी हमारे होटल से बाहर निकलते ही यहाँ पे
देखिए विंटेज कार्स का बहुत बड़ा मतलब एग्जीबिशन जैसा लगा है, बहुत सारी विंटेज कार आई है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे BMW है पिंक कलर में, बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। पुरानी वाली मर्सिडीज कितनी सही रही लग रही है, और कितना बढ़िया से उसको वेल मेंटेन किया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कौन सी है पता नहीं, बट कन्वर्टेबल कोई कार है, बहुत पुरानी, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है यार। सही में बिल्कुल रॉयल कार है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। करो जो कार लवर्स है ना भाई, वो पागल हो जाएंगे ये सारी चीज़ें देख के। और ये सारी चीज़ें मुंबई में ही आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि आज संडे है ना, इस वजह से। चेक करो बिल्कुल रॉयल, जो एकदम राजा महाराजा वाली कार। अगर आपको ये सारी कार्स के नाम पता है तो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। ये येलो कलर वाली कार भी बहुत ही ज़्यादा जायंट लग रही है, और ये वाली कार तो माय गॉड। और ये मेरी फेवरेट BMW GS है 1350, जो कि मुंबई का निखिल के पास है, बहुत ही ज़्यादा जायंट लग रही है। हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की ओर, और यहाँ पर देख सकते हो आप खाने पीने का बहुत ही बढ़िया सीन चल रहा है। बट अभी सुबह सुबह में हम फ़ोटो खींचने आए, तो चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह में खाने से क्या पेट हैवी हो जाता है, फिर आलस आने लगती है घूमने में। ये सुबह में इसकी ब्यूटी कुछ और है। तो यहाँ पर ये पूरा शिपयार्ड है, यहाँ पर प्राइवेट जो कोई गवर्नमेंट की शिप्स होती है, यॉट्स वगैरह सारी है। और पीछे तक आप देख सकते हो वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी शिप्स भी है। अभी हम फिर से आ गए हैं मरीन ड्राइव पर मॉर्निंग में, सुबह 9:30 बजे। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देखिए यहाँ पर पूरी फैमिलीज़ वगैरह बैठी है। वहाँ पर आगे बहुत सारा फंक्शन चल रहा है, मीन्स जुम्मा डांस चल रहा है, लोग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सीनिक व्यू आ रहा है। और ये हिमराज देखिए बारबी डॉल जैसी लग रही है, और ये पूरा स्काई लाइन क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मरीन ड्राइव मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है, लोग यहाँ पर प्री वेडिंग कर रहे हैं, मतलब कोई बर्थडे शूट कर रहा है। मतलब आज संडे है तो बहुत ज़्यादा अच्छी पब्लिक है, और मतलब सब लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और मैं और हिमराज भी अच्छा खासा 2-3 घंटा यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। और सामने आप वो टावर्स देख सकते हो ना, वो टावर्स है वानखेड़े स्टेडियम, सो ये भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक प्लेस है।